जब किसी हिस्से को जो होता है तो एम्प्लॉय जॉइनेशन कमिटी उस आज का जो ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम ये एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दिया है। एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी रियासत के 5 लाख लोग मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, जिससे 60 से जायद मुलाजिम तंजीमें उनके सरबराह जुड़े हुए हैं। पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से लगातार एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडरान उसातिज़ा के जलसों को, उसातिज़ा पर जो झंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके मामला, उनकी उस तमाम हालात को मॉनिटर करके हमने आज हम इस बात पर पहुंचे कि जब तक एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी खामोश बैठेगी तब तक ये मामला उसातिज़ा पर जुल्म और उनका ऊपर भ्रष्टाचार होता रहेगा। और हमने फैसला किया एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, जब तक रियासती उसातिज़ा, SSA उसातिज़ा, रमसा उसातिज़ा, हेड टीचर्स के हक में 7th पे कमीशन का इतला नहीं होगा, उनके हक में उनकी सैलरीज को स्टेट सेक्टर के साथ न जोड़ा जाएगा, एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक एक सिपाही उसातिज़ा बरादरी के साथ शान पहचान उनके जुदजात में शामिल हो जाएंगे। आज एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दिया है और अगर मामला पूरी तौर हल नहीं हुआ तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी रियासत के 5 लाख मुलाजमीन को सड़कों पर बुलाकर ये लड़ाई उसातिज़ा के हक में यहाँ के गली कोचों में लड़ेंगे। और जब तक मामला हल नहीं हो जाएगा तब तक हम न खुद चैन से बैठेंगे न रियासती सरकार को चैन से बैठने देंगे। मैं आपके माध्यम से हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, यहाँ के ऑनरेबल एडवाइजर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, मोहतरम खुर्शीद अहमद घनाई साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, शरीफ बीबी व्यास साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, बीबी सुब्रमण्यम वर्गी चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंचाना चाहता हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन वर्गी सेक्रेटरी एजुकेशन तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि वो इस मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर SSA हेड टीचर्स और हमसा मास्टर्स के हक में उनका हक 7th पे कमीशन दिया जाए और उनके सैलरीज को डिलीट किया जाए। 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट करने में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर सरकार हमें टाइम मांगे डिलीटिंग के हवाले से हम टाइम देने के लिए तैयार हैं। यह टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फैसला है, उन्होंने हमसे यह कह दिया है, लेकिन अगर फिर भी मामला हल नहीं हुए तो टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो भी प्रोग्राम दे देगी आप तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिद्दत और शिद्दत के साथ उस प्रोग्राम